हमारा पिछला टॉपिक था रिफॉर्म ऑफ द यूएन आफ्टर द कोल्ड वॉर। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस। व्हाइल द केस फॉर रिफॉर्म हैज वाइडस्प्रेड सपोर्ट, गेटिंग एग्रीमेंट ऑन व्हाट टू डू इज डिफिकल्ट। जहां एक तरफ सब तरह से सपोर्ट मिल रहा था बदलाव के लिए, वहीं से इस बात पर एग्री करना कि क्या किया जाए वो बहुत ज्यादा मुश्किल भरा था। लेट अस एग्जामिन द डिबेट ओवर रिफॉर्म ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अभी यहाँ पर हम जो है एक डिबेट को लेकर चल रहे हैं जो कि रिफॉर्म को लेकर थी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। इन 1992 द यूएन जनरल असेंबली अडॉप्टेड अ रिजोल्यूशन। यूएन जनरल असेंबली ने 1992 में एक रिजोल्यूशन जो है उसे अपनाया। द रिजोल्यूशन रिफ्लेक्टेड थ्री मेन कंप्लेंट्स। अब इस रिजोल्यूशन में मुख्यतः तीन कंप्लेंट्स आई थी। द सिक्योरिटी काउंसिल नो लॉन्गर रिप्रेजेंट्स कंटेम्पररी पॉलिटिकल रियलिटीज। जो सिक्योरिटी काउंसिल है अब वो उस समय की जो पॉलिटिकल रियलिटीज है उनको नहीं दर्शाता है। Its decision reflects only Western values and interests and are dominated by few powers. उसके जो भी decision होते हैं उसमें ज्यादातर Western values की, interest की या उनके प्रधानता की जो है जो कि कुछ powers के द्वारा करी जा रही है उनकी झलक दिखाई देती है। It lacks equitable representation. बराबरी का जो कोई भी representation होना चाहिए वो नहीं दिखता है। In view of these growing demands for the restructuring of the UN on January 1st, 1997, The UN Security General Kofi Annan initiated an inquiry into how the UN should be reformed. अब जब इस तरह की डिमांड्स बढ़ती जा रही थी UN को रिस्ट्रक्चर करने की, तो 1 जनवरी 1997 को जो UN Security General थे कोफी अन्नान, उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने एक इंक्वायरी करी कि किस तरीके से UN में बदलाव किए जाए। How, for instance, should new Security Council members be chosen? किस तरीके से जो अब Security Council के नए members हैं उन्हें चुना जाए? In the years since then, the following are just some of the criteria that have been proposed for new permanent and non-permanent members of the Security Council. तो उस समय से लेकर जो साल गुजरे उसके बाद से कुछ criteria जो बदला गया, उसमें जो कि propose किया गया कि नए permanent या non-permanent members जो Security Council के होंगे, वो क्या होगा? वो है a new member. It has been suggested should be. अब जो भी नया member बनेगा Security Council का, उसका उसको क्या-क्या करना चाहिए? अ मेजर इकोनॉमिक पावर, उसके पास जो है मेजर बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर, आर्थिक तौर पे उसके पास इतनी ताकत होनी चाहिए। दूसरा अ मेजर मिलिट्री पावर, उसके पास बहुत बड़ी मिलिट्री ताकत होनी चाहिए। अ सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर टू यूएन बजट, एक अच्छा योगदान होना चाहिए उसके यूएन बजट में। अ बिग नेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन, बहुत बड़ा नेशन होना चाहिए अगर पॉपुलेशन की बात करें तो। अ नेशन दैट रिस्पेक्ट्स डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, वो ऐसा नेशन होना चाहिए जो लोकतंत्र को और जो मानव अधिकार हैं उनकी इज्जत करता हो। अ कंट्री दैट वुड मेक द काउंसिल मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्ल्ड्स डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सिस्टम्स एंड कल्चर, एक ऐसी कंट्री जो काउंसिल को ज्यादा से ज्यादा दर्शा सके जो दुनिया में विभिन्नता है, चाहे वो ज्योग्राफी को लेकर हो, इकोनॉमिक सिस्टम्स को लेकर हो या फिर कल्चर यानी संस्कृति को लेकर हो। क्लियरली ईच ऑफ दीज क्राइटेरिया हैड सम वैलिडिटी। अब ये जो भी क्राइटेरिया रखे गए थे इनकी कुछ वैधता तो थी। गवर्नमेंट सॉ एडवांटेजेस इन सम क्राइटेरिया एंड डिसएडवांटेज इन अदर्स डिपेंडिंग ऑन देयर इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशंस। अब जो गवर्नमेंट थी उनको किसी को तो किस कुछ क्राइटेरिया में फायदा दिखा, कुछ को दूसरे क्राइटेरिया में जो है डिसएडवांटेज दिखी कि उनका अपना फायदा नहीं दिख रहा था। डिपेंड करता था कि उनका कैसा इंटरेस्ट है, उनकी कैसी इच्छाएं हैं। इवन इफ दे हैड नो डिजायर टू बी मेंबर्स देमसेल्व्स, कंट्री कुड सी दैट द बिगेस्ट क्राइटेरिया वॉज प्रॉब्लमैटिक। अब जो कंट्रीज इच्छा नहीं रखती थी कि वो मेंबर्स बने यूएन की, वो भी कंट्रीज जो है देख रही थी कि ये जो क्राइटेरिया है ये काफी प्रॉब्लम वाले हैं। हाउ बिग एन इकोनॉमी और मिलिट्री पावर डिड यू हैव टू बी क्वालिफाई फॉर सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप, कितनी आर्थिक या मिलिट्री ताकत होनी चाहिए, कितनी बड़ी होनी चाहिए कि हम सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप के लिए क्वालिफाई कर सकें। वट लेवल ऑफ बजट कॉन्ट्रीब्यूशन वुड एनेबल अ स्टेट टू बाई इट्स वे इन टू द काउंसिल, कौन सा ऐसा कितना हद तक हमें बजट का कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा ताकि एक स्टेट जो है वो काउंसिल में कदम रख सके। Was the big population an asset or a liability for a country trying to play a bigger role in the world? क्या एक कंट्री की population बहुत ज्यादा होना ये एक लग्जरी की बात है या एक जिम्मेदारी की बात है कंट्री के लिए जो अपना दुनिया में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करना चाहती है? If respect for democracy and human rights was the criteria, countries with excellent record would be in line to be the members, but would they be effective as council members? अगर लोकतंत्र की या मानव अधिकार की रिस्पेक्ट की बात है तो अगर ये क्राइटेरिया है तो बहुत सारी कंट्रीज है जिनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है।
वो जो है इस लाइन में है कि वो मेंबर्स बन सकती हैं, लेकिन क्या ये चीज जो है असरदार रहेगी काउंसिल मेंबर्स के तौर पे? फर्दर मोर हाउ वाज द मैटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू बी रिजॉल्व्ड? अब ये जो एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, इसका मैटर को कैसे सॉल्व किया जाए? डिड इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन इन ज्योग्राफिकल टर्म मीन्स दैट देयर शुड बी वन सीट ईच फ्रॉम एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका एंड द कैरेबियन? अगर आप ये कह रहे हो कि बराबरी का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए अगर ज्योग्राफिकल टर्म्स की बात करें, तो आपका मतलब क्या हुआ कि एक सीट एशिया से, अफ्रीका से, लैटिन अमेरिका से, कैरेबियन से होनी चाहिए? शुड द रिप्रेजेंटेशन ऑन द अदर हैंड बी बाय रीजन्स और सब रीजन्स? अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये दूसरी तरफ रीजन की वजह से होना चाहिए या सब रीजन की, यानी कि कॉन्टिनेंट्स छोड़ के? वाई शुड द इशू ऑफ इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन बी डिसाइडेड बाय ज्योग्राफी? अगर ये जो मुद्दा है कि बराबरी की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, तो उसको ज्योग्राफी के बेस पे कैसे डिसाइड कर सकते हो? वाई नॉट बाय द लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट? इस लेवल पे क्यों नहीं करते हो कि आर्थिक तौर पे किसका कितना विकास हुआ है? वाई नॉट इन अदर वर्ड्स गिव मोर सीट्स टू द मेंबर्स ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड? क्यों नहीं हम ज्यादा सीट जो है उन मेंबर्स को देते हैं जो डेवलपिंग वर्ल्ड के हैं? इवन हियर देयर आर डिफिकल्टीज। अब यहाँ पर भी बहुत समस्याएं थी। द डेवलपिंग वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ कंट्रीज एट मेनी डिफरेंट लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट। अब ये जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, हमारा जो विकासशील देश है, इसमें बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो डेवलपमेंट के बहुत अलग अलग लेवल पे हैं। व्हाट अबाउट कल्चर? संस्कृति का क्या? शुड डिफरेंट कल्चर्स और सिविलाइजेशंस बी गिवन रिप्रेजेंटेशन इन अ मोर बैलेंस्ड वे? अब अलग अलग संस्कृति हो, अलग अलग सिविलाइजेशन हो, इसको भी क्या कहते हैं रिप्रेजेंट करना होगा बहुत एक बैलेंस तरीके से। हाउ डज वन डिवाइड द वर्ल्ड बाय सिविलाइजेशन और कल्चर गिवन दैट नेशंस हैव सो मेनी कल्चरल स्ट्रीम्स विद इन देयर बॉर्डर्स? कैसे आप वर्ल्ड को जो है सिविलाइजेशन या कल्चर के बेसिस पे बांट सकते हो जहाँ पर नेशंस जो हैं उनके पास अपने आप में इतनी सारी सांस्कृतिक धरोहरें हैं जो कि उनके बॉर्डर्स पे ही हैं, या उनके मतलब उनके पास इतनी विभिन्नता है संस्कृति की उसकी अपनी ही कंट्री के अंदर, तो उसके बेसिस पे आप कैसे कर सकते हो? अ रिलेटेड इशू वॉज टू चेंज द नेचर ऑफ मेंबरशिप ऑल टूगेदर। तो उसी से ही जुड़ा हुआ एक मुद्दा ये भी था कि जो मेंबरशिप का नेचर है उसे भी बदला जाए। Some insisted, for instance, that the veto power of the five permanent members be abolished. कुछ लोग जो है इस बात पे जोर दे रहे थे कि जो veto power है पांच permanent members की उनको खत्म कर देना चाहिए। Many perceived the veto to be in conflict with the concept of democracy and sovereign equality in the UN and thought that their veto was no longer right or relevant. बहुत से लोग इस तरह से देखते थे कि ये जो वीटो भी है ये भी चाहे डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट हो या सोवरेन इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट हो यूएन के अंदर, उसके लिए एक झगड़े की वजह बनती है। और साथ ही साथ ये भी मानते थे कि जो वीटो है अब वो सही नहीं है या जरूरी नहीं है। इन द सिक्योरिटी काउंसिल देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। तो जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। The charter gave the permanent members a privileged position to bring about stability in the world after the Second World War. ये जो उनका charter है, उसमें जो permanent members हैं, उनको एक तरह से सुविधा या क्या कहना चाहिए जो सुविधा होती है वो दी गई है कि वो जो है उनको ऐसी position दी गई है कि वो जो है दुनिया में स्थिरता लाने की कोशिश कर सकते हैं Second World War के बाद। The main privilege of the 5 permanent members are permanency and the veto power. तो जो सबसे ज़्यादा मुख्य है उनको सुविधाएँ फैसिलिटीज दी गई हैं, एडवांटेज दिए गए हैं 5 permanent members को, वो एक तो ये है कि वो permanent members हैं, दूसरा उनके पास veto power है। The non-permanent members serve for only 2 years at the time and give way after that period to newly elected members. अब जो non-permanent members हैं वो सिर्फ 2 साल के लिए होते हैं और फिर उस 2 साल के बाद वो जो हैं जो नए चुने हुए members आते हैं उनको अपनी सीट दे देते हैं। A country cannot be re-elected immediately after completing a term of 2 years. कोई भी country जो है वो दोबारा से नहीं चुनी जा सकती immediately 2 साल complete करने के बाद। The non-permanent members are elected in a manner so that they represent all continents of the world. अब ये जो non-permanent members हैं ये इस तरह से चुने जाते हैं कि जितने भी continents हैं दुनिया में सबके जो है represents कर सके, यानी कि सबको चांस मिल सके। Most importantly, the non-permanent members do not have the veto power. अब सबसे बड़ी important बात क्या है कि जो non-permanent members हैं उनके पास veto power नहीं है। What is the veto power? अब ये veto power क्या होती है? In taking decisions, the Security Council proceeds by voting. जब भी कोई decision लेना होता है तो Security Council जो है वो voting कराती है। All members have one vote. जितने भी members हैं सबका एक एक vote होता है। However, the permanent members can vote in a negative manner so that even if all the permanent members and non-permanent members vote for a particular decision,
एनी परमानेंट मेंबर्स नेगेटिव वोट कैन स्टॉल द डिसीजन। परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो नेगेटिव मैनर में भी वोट कर सकते हैं, यानी कि अगर सारे परमानेंट मेंबर्स और नॉन परमानेंट मेंबर्स किसी एक पर्टिकुलर डिसीजन के लिए वोट कर रहे हैं और उनमें से किसी एक परमानेंट मेंबर ने नेगेटिव में वोट डाल दिया तो डिसीजन नहीं होगा। दिस नेगेटिव वीटो इज ही वोट इज अ वीटो, ये जो नेगेटिव वोट है ये वीटो है। While there has been a move to abolish or modify the veto system, there is also a realization that the permanent members are unlikely to agree to such a reform. जहाँ एक तरफ ये कोशिश करी गई कि इसको खत्म कर दिया जाए या इसके जो वीटो सिस्टम है इसमें बदलाव किया जाए, वहीं इस बात का भी एहसास हुआ कि जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो नहीं एग्री करेंगे इस तरह के चेंज के लिए। Also, the world may not be ready for such a radical step, even though the Cold War is over. और दुनिया भी नहीं चाहेगी कि इस तरीके का कोई कदम उठाया जाए जबकि कोल्ड वॉर खत्म हो चुका है। विदाउट द वीटो देयर इज द डेंजर इन 1945 दैट द ग्रेट पावर्स वुड लूज इंटरेस्ट इन द वर्ल्ड बॉडी, दैट दे वुड डू व्हाटएवर दे प्लीज आउटसाइड इट, एंड दैट विदाउट देयर सपोर्ट एंड इन्वॉल्वमेंट द बॉडी वुड बी इनइफेक्टिव। अब वीटो अगर नहीं होगा तो बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, जैसा कि 1945 में हुआ था कि जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा ये जो वर्ल्ड बॉडी है उसमें, वो जो है फिर बाहर वो सब कुछ वो करेंगी जो उनकी मर्ज़ी का होगा और उनके जो क्या कहते हैं सपोर्ट के बिना या उनके इन्वॉल्वमेंट के बिना बॉडी जो है वो पूरी तरह से बेअसर हो जाएगी। इसके बाद हमारा अगला वीडियो है या अगला टॉपिक जो होगा वो है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द यूएन, वो करेंगे अगले वीडियो में।